सो वेलकम गाइस, आज का नया चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 9 का। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल 8 क्लास में कराया अच्छे से। ठीक है, तो लीनियर मतलब क्या होता था? लीनियर मतलब होता था आपका दैट पावर ऑफ अ वेरिएबल, पावर ऑफ अ वेरिएबल इज वन। ठीक है बच्चों, पावर ऑफ अ वेरिएबल इज वन। अच्छा, इक्वेशन मतलब होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपका। ठीक है, यानी कोई आपको दे रखी है स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि यानी कि इक्वल शो करती है। तो केवल मैथमेटिकल। टू वेरिएबल, वन वेरिएबल आपने पढ़ा था यानी कि केवल एक ही वेरिएबल होगा। कैसे? जैसे भाई 2x plus 1, वन वेरिएबल, यहाँ पे टू वेरिएबल है तो हो सकता है आपका यानी कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा 2x plus y 3 equal to 0 इस फॉर्म में। ठीक है, जनरल फॉर्म लिख देता हूं। जनरल फॉर्म होती है ax plus by plus c equal to 0, ये जनरल फॉर्म है आपकी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। है ना बच्चों? भाई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में इसका क्या होता था सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। भाई कैसे? भाई 2x plus 1 equal to 0, ठीक है, 2x plus 1 equal to 0, तो अब अगर इसका मैं निकालूं क्या होगा, माइनस वन बाई टू। अब x की वैल्यू और कोई आ ही नहीं सकती, x की वैल्यू तो और कोई आ ही नहीं सकती भाई, सबका 1 बाई टू ही तो आएगा। तो क्या होता था? यूनिक, यानी कि एक ही सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? अब जो आपकी टू वेरिएबल वाली है भाई, ठीक है, सिंपल से लेता हूं मैं 2x plus y plus 5 equal to 0, तो सिंपल से ले लेते हैं यार, ये ले लो आप। तो यानी कि अब x की वैल्यू क्या है, डिपेंड कर रही है एक दूसरे पे, y पे। ठीक है, एक सिंपल सा देखो कि क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच में दो बैट्समैन ओपनिंग कर रहे हैं और उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप 100 रन की कर दी। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्म हुई आपकी। तो दो बैट्समैन ने मिलके यानी कि बना दिए मान लो 120 रन, दो बैट्समैन ने मिलके। लेकिन हमें पता नहीं कि भाई एक ने कितने बनाए और दूसरे ने कितने बनाए, लेकिन हमें ये पता है दोनों बैट्समैन ने मिलके बनाए 120 रन। तो मैं एक को मानूंगा एक एक्स बैट्समैन है, एक वाई बैट्समैन है, तो भाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120, ये तो हो गई ना, यानी कि दोनों के जो टोटल है वो मिला के 120। तो ये हो जाएगी आपकी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हो गई आपकी ये। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप एक्स वाई की फॉर्म में लिखो, वेरिएबल बदल सकते हो भाई, ऐसा भी हो सकता है भाई आप ये ले लो ए प्लस बी इक्वल टू 120। ठीक है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू हम रखते हैं इसको नॉर्मली एक्स वाई जेड की फॉर्म में। ठीक है, वेरिएबल आपके कैसे भी आ सकते हैं, ए बी सी पी क्यू एस, किसी भी फॉर्म में। क्लियर है? ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं whose वैल्यू कैन बी वेरी। तो अब अगर हम बात करें भाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके? इनफाइनाइट। ठीक है, सो जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आ भी आता है एक नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, भाई कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, तो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, और आपकी जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है उसका यूनिक सॉल्यूशन, और इसको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भाई ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, इधर -2, तो कितना है -1/2, तो कहां पर होगा यहां पे, है ना, तो इसका केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो ये होती है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? अगर मैं सिंपल एक इक्वेशन, ठीक है, यही ले लो आप दिस वन दैट x plus y is equal to 7, तो अगर मैं रखूं भाई x की वैल्यू में 1 रखूं, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखूंगा इसमें, तो क्या होगा 1 plus y equal to 7, तो y कितना आ जाएगा भाई, 1 जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 से 1 जाएगा तो 6, y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 रखोगे यहां पे, x की वैल्यू 2 रखोगे, ठीक है,
एक्स के लिए टू रखोगे वाई इक्वल टू सेवन, तो टू जाके माइनस होगा तो वाई की कितनी आ गई फाइव। देखो वैल्यू चेंज हो रही है ना, y की भाई 6 आई थी फिर 5 आई, तो यानी कि x की जितनी वैल्यू आप रख सकते हो, जितने नंबर ही कोई भी नंबर, y की वैल्यू बदलती रहेगी। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए मैंने लिखा है। क्लियर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है चलो ये हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन आपके क्या आएंगे और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है मार्क्स के लिए, अगेन मार्क्स के लिए नहीं जाना है आपको, किसके लिए जाना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है तो जनरल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0। ठीक है अब आपको बोलेंगे इक्वेशन आपको दे देंगे आपको, ठीक है कंडीशन देखो इस तरीके से सिंपल वाली, पहले तो 2x y = 7 बोले क्या जनरल फॉर्म में लिखो, तो जनरल फॉर्म में क्या करोगे आप लिखोगे 2x + y - 7 = 0। ये जनरल फॉर्म होगा इसकी, इस फॉर्म में। ठीक है बस इधर ले आओ। अच्छा और आपको क्या देंगे, आपको इस तरह से दे देंगे भाई x = 7, इसको लिखो जनरल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे भाई x, y तो है ही नहीं तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ 0 into y, 7 इधर आ जाएगा minus 7 equal to 0, हो गई ना ऐसी, आगे समझ ऐसी हो गई। ठीक है कोई डाउट नहीं बस। ठीक है तीसरा देखो भाई ऐसे भी आएगा x plus y इक्वल टू जीरो, अगेन कैसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जीरो इंटू सी, सेम फॉर्म में, तो ये जनरल फॉर्म में लिखने के लिए आएगा। ठीक है इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है अच्छा और क्या पूछेंगे आपके, ठीक है और क्या तरीका है इनमें, हमें यानी कि इसमें निकालनी होती है वैल्यूज, हमें यानी कि भाई ए की बी की और ये बतानी होती है, ये भी पूछते हैं। ठीक है ये भी क्वेश्चन आएगा, तो ये क्या है क्लास है, ये होते हैं इनके कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है सारे। ठीक है ये तो कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट कैसे निकालोगे आप, मैं आपको बताता हूं। ठीक है कोफिशिएंट कैसे फाइंड करोगे, मैं बोलूंगा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निकालना है इसमें 2x स्क्वायर, इसमें बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो जिसका पूछा है ना उसको हटा दो, इसको हटा दो, जिसका पूछा है उसको हटा दो, क्या बचा 2, ये आंसर है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट था। ठीक है x स्क्वायर कोफिशिएंट था इसमें आंसर 2। ठीक है एक और ले लो। ठीक है अगर मैं बोलूं कि भाई इसमें बताओ x का कोफिशिएंट माइनस x, इसमें क्या होगा, तो क्या करोगे x का पूछा ना x को हटा दो, क्या बचा माइनस, नहीं माइनस में बोलोगे। ठीक है ये आंसर हो जाएगा, ये कोफिशिएंट हो गया। आगे समझ कोफिशिएंट कैसे निकालना है। ठीक है सिंपल सा मेथड है, ध्यान से देखो एक बार क्लियर। ठीक है ये हो गया। अच्छा अब आपको और आएगा इक्वेशन 2x माइनस 7y 8, बोलेंगे इसमें बताओ फाइंड a बताओ b बताओ c बताओ, तो अब क्या करोगे पहले तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है ये जरूरी है 2x माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0, 8 इधर आ जाएगा। ठीक है उधर प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से भाई a क्या है, a हमें बताता है भाई वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, a कोफिशिएंट ऑफ x है। b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ y, और सी क्या है जो बस की कांस्टेंट टर्म। तो इसके हर से बताना है, तो ए की वैल्यू बताए भाई, ए की पूछिए बी की पूछिए सी की पूछिए। ठीक है तो भाई बताओ ए की क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का क्या है यानी कि भाई ये ना तो इसमें से एक्स हटा दो क्या बचा 2, तो ए क्या आ गया 2। ठीक है अब रख लो भाई बी किसका था वाई का, तो वाई को हटा दो क्या बचा 7 माइनस 7। ठीक है साइन के साथ बोलना है तो b आ गया माइनस 7। ठीक है ऐसे निकालना, ठीक है कांस्टेंट टर्म है तो c हो जाएगा माइनस का 8, आ गया ना कैसे निकालना है, पक्का समझ आया। ठीक है कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो आप, तो पसंद आया तो
लाइक थैंक यू।